हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। क्लास 9th से एनसीईआरटी उठाएंगे, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th का लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी को। तो दोस्तों, एकदम छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जैसे जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप बस दो तीन चार मिनट का जो वीडियो है उसको बस देखते रहना। आपका डे बाई डे केमिस्ट्री का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चालू करते हैं। आज का हमारा क्लास 9th का चैप्टर है। क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या मतलब जो हमारा मैटर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर उसका उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैटर क्या होता है, क्या उसका डिफिनेशन है, ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही हम अपने सराउंडिंग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं, जिसका शेप अलग है, साइज अलग है, टेक्सचर अलग है। तो अब हम रेड आउट मारते हैं, अब ये क्या है, तो हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। मतलब सभी कुछ, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, डिफरेंट साइज शेप का, डिफरेंट साइजेस का, टेक्सचर का, तो वो सब किसी न किसी मटेरियल से बने हैं। अब उसको हम किस क्या बोलेंगे, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, तो उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने बोला मैटर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल बताओ सर, ठीक है बताता हूँ। जैसे एयर, हवा जानते हो, जैसे हम ऑक्सीजन गैस इनहेल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जो एयर है जो ब्रेथ करते हैं, जो फूड है, भोजन है, और पत्थर है, बादल है, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन आप समझ रहे हो कि एक वाटर, जो पानी है ना, उसका एक छोटा सा स्मॉल ड्रॉप भी ना, और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, या तो सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल, सभी कुछ मैटर है। अरे खतरनाक, मतलब मैटर क्या है, सब कुछ। लेकिन सर ऐसे कैसे सब कुछ होगा, इसका कुछ तो प्रॉपर डिफिनेशन होगा। बिल्कुल, तो हम देखते हैं, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन अबव, जो भी चीज़ हमने अभी डिस्कस किया, फूड, वाटर, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है नेकेड आई से, तो उसमें हमने देखा कि उन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, ऑक्यूपाई, वो सभी चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनके पास कुछ ना कुछ मास है। अब आपके माइंड में आएगा सर मास कितना होना चाहिए, अरे कुछ भी होना चाहिए, बहुत छोटा छोटा मास हो या बहुत ज़्यादा हो, उनके पास क्या दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। स्पेस मतलब क्या होता है, जैसे आप ये समझो, आप टेबल अभी बैठ रहे हो, आप एक टेबल पर बैठे हुए, ठीक है, तो आपका जो बुक, जो किताब है, वो क्या किया, उस टेबल को कुछ ना कुछ स्पेस, मतलब उस बुक ने टेबल का कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है। तो ऐसे ही ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है, जैसे हम सिस्टम हो गए, हमारा जो हम ह्यूमन बींग्स हम सिस्टम हो गए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, उसको हम स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो जो मटेरियल है, अगर थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उसके पास मास है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मैटर। तो हम देखा जाए तो वहाँ पर बोला गया दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। आई थिंक आपको मैटर के बारे में अच्छे से समझा होगा। अब क्या बोलते थे, अब हम थोड़ा और पीछे जाएंगे कि अर्ली टाइम्स में क्या क्या होता था। अर्ली टाइम्स में जब ह्यूमन बींग्स, जो मानव थे ना, वो ट्राई करते थे अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, कैसा, किससे बना है, क्या है। तो जो इंडियन फिलोसफर, ग्रेट, हमें प्राउड होना चाहिए, जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने अपने मैटर को, उन्होंने मैटर को क्लासीफाइड किया कि मैटर ना इन पाँच चीज़ों से बना है। अब बोलोगे कौन से पाँच चीज़ सर, पाँच चीज़ को बोलते हैं पंच तत्व। कौन से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। एयर मतलब हवा, ध्यान सुनना, हवा, पृथ्वी, अग्नि, और स्काई मतलब, और वाटर, ये सब चीज़ों से अपना क्या आसमान ये सबसे बना हुआ है। फिर से बोलता हूँ, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आसमान और पानी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये अर्ली एडियन फिलोसफर अपना वहाँ पे बोलते थे। अब क्या हुआ, उनके हिसाब से क्या बोलते थे कि लिविंग हो, लिविंग मतलब क्या, जिसमें जान हो, ठीक है, और नॉन लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी सब चीज़ें किससे बने हैं, फाइव बेसिक एलिमेंट्स। कौन सा, अगर आपसे बोला जाए कौन कौन से बेसिक एलिमेंट, आपको बोलना है सर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, एयर अर्थ फायर, स्काई एंड वाटर, ये आपको याद होना चाहिए। अब ग्रीक फिलोसफर क्या बोलते हैं, ग्रीक फिलोसफर ने भी वही सब कंक्लूजन निकाला कि हाँ, जो इंडियन फिलोसफर बोला ना, वही सब कुछ, उनका भी वही सेम क्लासिफिकेशन था। अब हम बोलेंगे नहीं सर, ये तो हो गया पुराना, अब आगे मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस पार्ट में, उनके नेचर के बेसिस पे, कि मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में मैटर को पढ़ने वाले। आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।